दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि भैया की रनिंग कल थी 21 तारीख को, तो कंप्लीट हो चुकी है फाइनली आप लोगों की, क्योंकि मेरी रनिंग रतलाम में थी, आप लोग जानते ही हैं। आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा और मैंने जो वहां पे एक्सपीरियंस किया वो आप लोगों से शेयर किया। बाकी भैया की भी मैंने पूरा कोशिश की लखनऊ की, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया लखनऊ के ग्राउंड के बारे में कुछ बता दीजिए, बहुत डर लग रहा है, बहुत सारे डाउट्स थे आप लोगों के। तो कोशिश किया मैंने, क्योंकि भैया की रनिंग 21 को थी, मैं 18 को ही आ गया था और 19 से जो रनिंग चालू हुई, 19 20 21 तीनों आपको दिखाई गई और जो आपके डाउट्स थे वो लगभग क्लियर हो गए होंगे। बाकी रनिंग तो रोज़ वैसे ही हो रही है ग्राउंड में, सेम प्रोसेस वही हो रहा है, तो रोज़ का आप वो पुराने वीडियो देख सकते हैं, सेम सब प्रोसेस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि जिस पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाए थे आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिली होगी और कुछ ना कुछ एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि ग्राउंड में कैसा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। आप सारे वीडियो देख लेना, मैंने रनिंग वाले में कोशिश किया है कि साथ में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताते भी जाऊं कि कहां पे क्या लड़के जो है गलती कर रहे हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या खाना है, कैसे लाइन में लगना है, कितने बजे लगना है, पूरा बताया है। बाकी भैया से अभी कुछ जानते हैं भैया की पूरी डिटेल की, क्योंकि कल एक वीडियो बनाया था लेकिन भाई लोग काफ़ी मिल गए और काफ़ी आ गए, तो आप लोगों को पूरी डिटेल नहीं पता चल पाई थी कि क्या प्रोसेस है। बाकी भाइयों का बहुत प्यार है, जिधर भी जाते हैं भाई मिलते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, जब मतलब कि काफ़ी लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ देखो कोई मिलने वाला है, कुछ बताते हैं कि भैया सपोर्ट हुई, स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे थे और फ़ायदा हुआ, तो काफ़ी अंदर से एक अलग फील आती है। बाकी अभी भैया अपना बताएंगे प्रोसेस कि मतलब कुछ टिप्स बताएंगे, प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही होगा कि रनिंग के समय मतलब ज़्यादा क्या कैसे मैनेज किए थे भैया, आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो कुछ बताइए रनिंग के लिए आप आखिरी टिप्स, जिनका मतलब कल है, परसों है, एक दो दिन में है, कुछ बताना चाहेंगे आप? जिनका कल परसों है वो भी समय आराम करें, ज़्यादा इधर उधर घूमें ना, और पैरों की सेफ्टी बना के रखें, मालिश मतलब पैर में दर्द है तो उसको मसाज करें, हल्का मालिश करें तेल लगा के। और बताना ये है कि मतलब आपकी रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे है, 6:30 बजे है, तो कोशिश करिए 1-2 घंटे पहले लगने की, क्योंकि जितना पहले लगेंगे आप उतना पहले आपकी रनिंग हो जाएगी। और बाकी कुछ भाइयों को देखे हैं कि जो है मतलब उनकी कल रनिंग है तो आज से ही लाइन में लगे हैं, रनिंग देख रहे हैं, इतने वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप लोग वहाँ से अनुभव ले सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पे आप अगर जो खड़े होते हैं ग्राउंड के बाहर इधर उधर रहते हैं तो आपके पैरों में पेन हो जाएगा, हम भी बहुत परेशान हो गए 2-3 दिन में, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। फिर आपको रनिंग में कल प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो आपकी आप आए हैं कहीं दूर से, तो आप एक बार चक्कर लगा लीजिए ग्राउंड का अगर चाहते हैं, उसके बाद फिर आप मेन रोड पे, ऊंचा नीचा सड़क वही है ना, आप थोड़ा अपनी अपना सेफ्टी से रहिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए यहाँ ग्राउंड कहाँ पे है क्या है, अपना आराम से पूरा रेस्ट लीजिए टाइम से पहले, जितनी बजे आपकी रिपोर्टिंग है 1-2 घंटे पहले आके अपना लाइन में लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है रनिंग के बाद रिजल्ट आ जाता है, डॉक्यूमेंट और पूरा प्रोसेस बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप लोग देख लेना। बाकी रनिंग के लगभग 1-2 घंटे बाद रिजल्ट बाहर चिपका दिया जाता है, आप लोग देख लेना। अभी तक तो क्योंकि हम यहाँ पे थे आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू पूरा अपडेट दे देते थे, बाकी अभी हम लोग तो स्टेशन पे हैं और आज अभी ट्रेन है तो हम लोग जा भी रहे हैं, क्योंकि मेरा भी SSC GD का आगे एग्ज़ाम आने वाला है। और बाकी आप लोगों को अभी DV से रिलेटेड नोटिस आ रही हैं और आगे जो है मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी जानकारी है, जो भी अपडेट होगा दोनों जोन का या किसी भी जोन का, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँ। बाकी दोस्तों आप लोगों का बहुत प्यार और सपोर्ट मिला, तो उसके लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, धन्यवाद।